भोपाल के अवधपुरी में पहली बार फादर्स डे के अवसर पर एक शाम माता पिता के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान संगीत कलाकारों ने माता पिता को समर्पित एक से बढ़कर एक शानदार लोक गीतों की प्रस्तुति की। वही वुमेन्स एरा थीम रैप वॉक कर अपने माता पिता की सेवा का संदेश भी दिया। कार्यक्रम का आयोजन युवा क्रांति रोटी बैंक संस्थान द्वारा किया गया था। इस दौरान संस्थान के अध्यक्ष रिंकू ओझा ने बताया कि भोपाल में माता पिता के लिए पहली बार सुप्रसिद्ध नटराज्य नृत्य ग्रुप के मॉडल ने रैप वॉक किया। सम्राट म्यूजिकल ग्रुप के सुनील शुक्रवारे समेत अन्य साथी कलाकारों ने भव्य प्रस्तुति दी। संस्थान द्वारा वरिष्ठ जनों को सम्मानित भी किया गया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य माता पिता की सेवा भाव और समर्पण के प्रति कर्तव्य और जिम्मेदारी के लिए किया गया है कि आज के इस भागम भाग भरी जिंदगी में हमारे युवा अपने माता पिता की सेवा के लिए समय नहीं दे पा रहे। इसलिए हमारा मानना है कि सभी युवा अपने अपने माता पिता की सेवा अवश्य करें ताकि हमें उन्हें वृद्धाश्रम में नहीं छोड़ना पड़े। श्रीमती ओझा ने संस्थान के सुरेंद्र वर्मा, राजेश परमार, संजय बाबा ठाकुर, पूजा प्रजापति, राखी प्रजापति, वर्षा हिमांगी, अरोरा आरती तिवारी और पवन तिवारी द्वारा कार्यक्रम में विशेष सहयोग करने का उनका आभार माना गया और सभी को बधाई व शुभकामनाएं भी दी। युवा क्रांति रोटी बैंक द्वारा एक शाम पिता के नाम का आयोजन रखा गया था, आज उसमें अपनी शिद्दत दे रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या संदेश रहेगा आपकी तरफ से? माता पिता जहाँ आए वहाँ तो बहुत बड़ी बात ही हो जाती है, उनके अलावा तो हम सोच नहीं सकते। और ये स्पेशल डे जो मनाया जा रहा है आज, माता पिता को साथ में लेके जो कार्यक्रम किया है वो बाकी में काबिल तारीफ है जी। और ऐसे आयोजन होते रहना चाहिए, अब आपको याद करते रहना चाहिए, क्योंकि आजकल हम कुछ दूसरी तरफ जा रहे हैं, तो कम से कम कुछ नहीं तो माता पिता वो ईश्वर ने जो बताया है, ईश्वर ने जो धरती पे जन्म लिया है वो माता पिता के रूप में लिया है। क्या रिंकू जी के लिए क्या संदेश है? रिंकू जी के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और उनसे यही कहता हूँ कि इस तरह से और इस कार्यक्रम को और बढ़ाएं और अच्छे भव्य स्तर को और बड़ा बनाएं। और ये तो यार इस एरिया में हो रहा है, चाहते पूरे भोपाल में इस कार्यक्रम होना चाहिए। युवा क्रांति रोटी बैंक द्वारा एक शाम माता पिता के नाम का आयोजन रखा गया था जिसमें आप चीफ गेस्ट उपस्थित हुए, कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या संदेश रहेगा? ये जैसे आपने बताया कि युवा क्रांति बैंक रोटी की तरफ से रिंकू ओझा ने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया गया था और जिसमें माता पिता को एक शाम इनके नाम की गई है। इसमें इन्होंने जिन लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य किया उनको यहाँ पर सम्मानित किया गया। उसके अलावा भी जो स्कूल्स परफॉर्मेंस रही है, बच्चों की परफॉर्मेंस रही है, उनको भी सम्मानित किया गया है। और ये शाम जो रिंकू द्वारा हम लोगों को दी गई वो एक यादगार शाम है। और मैं ये कहना चाहूँगी इस माइक के उससे कि हमेशा मदर्स डे मनाया जाता है और वुमेन डे मनाया जाता है, आज रिंकू ओझा ने माँ पिता दोनों को याद किया। और सच बताऊं कि हम लोग भी माँ को ज़्यादा करते हैं, हमें पता ही नहीं लगता कि हमारे जो साथ में संकल्प बनते महिलाओं जैसे बच्ची के साथ में उसके पिता खड़े होते हैं, वो आज उन्होंने सच में याद दिला दिया कि हाँ दोनों के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। मैम युवाओं के लिए क्या संदेश रहेगा? मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि जैसे आज एक प्ले में यहाँ दिखाया गया कि बच्चा बड़े होता है और बड़ा होने के बाद माता पिता को अपने साथ नहीं रखता है, तो रिंकू ने एक बहुत अच्छा संदेश दिया है। उसी संदेश को मैं आपकी अपनी बाइक के माध्यम से बताना चाहूँगी कि बच्चे अपने माँ बाप को अपने साथ रखें और हमेशा साथ रखें, क्योंकि वो ही हमारी एक मकान की नींव है, हमारे पिलर है जिनके कारण हम मजबूत रह सकते हैं। थैंक यू। पिता के नाम माता पिता के नाम का आयोजन रखा गया था युवा क्रांति रोटी बैंक द्वारा, क्या कहेंगे आप इसमें? सर देखिए प्रतिवर्ष अनुसार युवा कल्याण रोटी बैंक के द्वारा हमारे क्षेत्र की प्रतिष्ठित समाज सेविका रिंकू ओझा जी जो निरंतर समाज के उस वर्ग की सेवा में लगी है जिस वर्ग को भुला दिया जाता, समाज के निचले तबके में बहुत नीचे से उनकी जरूरतों को समझना, उनकी जरूरतों को सहेजना, उनके लिए प्रयास करके प्रयत्न करके जो उनको सुविधाओं की आवश्यकता है उन सुविधाओं को मुहैया कराना। माता पिता के नाम का कोई एक दिन नहीं होता, हर दिन माता पिता के हैं। निश्चित तौर पर उस पिता की मजबूरी जो अपने बच्चों की छोटी छोटी आशाओं को पूरा करने के लिए संघर्षरत रहता है, पढ़ाई के सामग्री से लेकर जीवन के
निर्वाहन की वस्तुओं के लिए उन्हें छोटी छोटी चीज़ों से महरूम होना पड़ता है, महरूम होना पड़ता है। उन चीज़ों की व्यवस्था करके ये युवा शक्ति रोटी बैंक और रिंकू गोदाजी एवं उनकी पूरी टीम, पिछले कई वर्षों से ये उन्नत प्रयास चल रहा है और इस प्रयास की सफलता यहाँ दिखती है कि साल में प्रतिवर्ष एक बार वो सभी माता पिता, वो जरूरतमंद बच्चे, वो जरूरतमंद परिवार यहाँ आकर प्रफुल्लित होते हैं, हर्षित होते हैं और तन मन से तो सब लोग सेवा करने को तैयार हैं। आज की महती आवश्यकता धन की भी है, उनकी धन की आवश्यकताओं की पूर्ति को भी पूरे सभी सामाजिक बंधु रिंकू जी के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं। आज के दौर में ऐसा कम ही देखने को मिलता है, तो आपके द्वारा कार्य सराहनीय है। मैं भोपाल के आम जनमानस को भी ये अपील करता हूँ कि इनके इस सामाजिक प्रकल्प से जुड़कर जो सेवा देना चाहते हैं वो रिंकू जी के साथ मिलकर, इनके इस एनजीओ के साथ, इनके पारिवारिक प्रकल्प के साथ मिलकर समाज के दीनहीन गरीब तबके के लिए और उन वृद्धजनों के लिए जिनका कोई सहारा नहीं है, वे सहारों के सहारा बनने का जो प्रयास आपने शुरू किया है, निश्चित तौर पर ईश्वर आपका साथ देगा और ईश्वर आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण। सर, आज एक शाम माता पिता के नाम का एक आयोजन रखा गया था, आज उसमें उपस्थित हुए चीफ गेस्ट के रूप में, कैसा महसूस कर रहे हो, क्या संदेश रहेगा युवा क्रांति रोटी बैंक के लिए? जैसा युवा क्रांति रोटी बैंक द्वारा ये कार्यक्रम किया गया, निश्चित तौर से हर घर के बच्चे को माता पिता के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए और उनके संस्कार अपने आप में ग्रहण करना चाहिए और माता पिता की सेवा करना चाहिए। ऐसी कोई स्थिति ना बने कि माता पिता वृद्ध आश्रम में पहुँचे, ये बच्चों का आने वाले भविष्य है और पिता ही एक ऐसा रहता है जो अपने बच्चों को फंदे पे बिठाकर दूर की रोशनी दिखाता है और शायद दुनिया में वो ही पिता सबसे ज़्यादा खुश होता है जिस जो अपने में बच्चों को आगे देखना चाहिए। आज युवा क्रांति रोटी बैंक ऐसा कार्यक्रम किए हैं, क्या कहेंगे उनके लिए रिंकू? बहुत बधाई देना चाहता हूँ उनकी चेयरपर्सन को और जितने भी लोग उनके साथ में इस कार्यक्रम से जुड़े उन सभी को भी बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम से निश्चित ही समाज में जागरूकता आएगी और लोग अपने माता पिता का सम्मान करेंगे। माता पिता सम्मान दिवस रखा है और मेरा यहाँ पर आना हुआ है, मुझे भी बुलाया और मैंने तो एक ही अपेक्षा रखी हूँ कि हम माता पिता सम्मान दिवस एक शाम के नाम ना रखें, बच्चों को हमेशा संदेश देना चाहिए कि हमें प्रतिदिन अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, कभी हम ये सम्मान साकार सकते हैं क्योंकि हम यदि दुनिया को देने वाले एक पिता शाम के नाम आयोजन रखा गया था युवा क्रांति रोटी बैंक द्वारा, क्या संदेश रहेगा और किस प्रकार का आयोजन था? यही संदेश है आज हम लोगों ने जो यहाँ नाटक करा कि माँ बाप के पास रहिए, उनको अपने से दूर मत करिए, वो हमेशा आपके साथ नहीं रहने वाले हैं, उन्होंने अपना सब कुछ आपके ऊपर न्यौछावर कर दिया है, अब जब आपका समय आया है तो आप उनको अपना समय दीजिए, उनके साथ रहिए, उनको खुश रखिए, वो हमेशा आपके साथ नहीं रहेंगे। और अब जो ये वृद्धाश्रम हो रहे हैं ये सब बंद होना चाहिए, आज हम लोगों ने यही संदेश दिया है इस प्रोग्राम के माध्यम से। ठीक है, नाम बता दीजिए। मैं स्वीटी सिंह हूँ, जॉय सर की पूरी रूपरेखा जो है उन्होंने हमें सब ये करवाया है बहुत अच्छे से। जॉय सर, ये रोल में अहम योगदान आपका माना जा रहा है और एक पिता के लिए एक बेटे का बहुत बड़ा योगदान होता है कहीं ना कहीं, क्या संदेश रहेगा आपकी तरफ से? देखिए, हम लोगों ने इसमें कोशिश की है बताने की कि एक छोटी सी जो बच्ची होती है वो किस तरह से बड़ी होते होते कैसे उसकी एज में फैक्टर्स आते हैं, कैसे वो एक हाउस वाइफ बनती है, फिर एक बच्चे को जन्म देती है और उनमें से हम ही उनके बच्चे होते हैं और कहीं ना कहीं लास्ट में ये चीज़ जो आजकल बहुत ज़्यादा समाज में देखी जा रही है और नेगेटिव चीज़ है, वृद्धाश्रम की संख्या बढ़ती चली जा रही है, तो हम लोग एक मैसेज देना चाहते थे कि ये चीज़ें रोके, इस तरह का ताकि खाने या ताकि लोगों ने बना दिया है चीज़ों को भूख नहीं होनी चाहिए। जी, आज यहाँ पे कार्यक्रम में उपस्थित हुई हैं, अपना प्रोग्राम रिप्रेजेंट किए हैं, क्या संदेश रहेगा इससे? सर, आज युवा क्रांति रोटी बैंक द्वारा एक पिता दिवस पर कार्यक्रम रखा गया था, क्या संदेश रहेगा, क्या कहेंगे आप? देखिए, रोटी बैंक का जो रिंकू ओझा जी की जो थीम है निश्चित रूप से वो वंदनीय है क्योंकि
कि एक तो अस्पतालों में जाकर अन्न का सेवा करना और दूसरा फादर्स डे अभी निकला तो माता पिता को लेकर कि आज जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो आने वाली पीढ़ी है, उसमें अपने माता पिता के लिए एक आदर सत्कार का भाव उत्पन्न हो, एक संस्कार की अलग जगह अपने अपने माता पिताओं को हम न केवल सम्मान दें, इज्जत दें, बल्कि पूजना सीखें, तो निश्चित ही ये संस्कार जब जिस युवाओं में होंगे तो वह न केवल परिवार के प्रति, समाज के प्रति और अपने राष्ट्र के प्रति एक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति का निर्माण होगा। इस थीम को लेकर रिंकू ओझा जी ने बहुत अच्छा आयोजन यहाँ पर करा, मैं हृदय की गहराइयों से उनको धन्यवाद दूंगा।